Good morning, students. Let's see some number first of exercise 1.2. First of all, read the statement. So that the function f r star to r star, जो function आपको given है वो क्या है? R star to R star defined by fx means first sum है exercise 1.2 और जो function define है R star to R star, ठीक है, defined by fx is equal to 1 upon x, ये define है R star to R star पे और function given है आपको fx is equal to 1 upon x is 1 and 2. तो क्या कहता है कि is 1 and 2. ये 1 भी है और 2 भी है. Where r star is set of all known zero real number. और जो r star है, जो r star है वो क्या है? Set of known zero. Zero real number. Set of non-zero real number. तो non-zero real number को आप कैसे लिख सकते हो? Real number. R star से represent है. तो real number है, but exclude क्या है? Zero है. वैसे तो रियल नंबर के अंदर जीरो होती है, बट उसने पहले बोल दिया नॉन जीरो. क्या बोल दिया? नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा. इज द रिजल्ट ट्रू? तो आपने चेक करना है कि 1 और 2 है या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? मैपिंग बनाओ. मैपिंग से चेक करना आपने किसी भी सम को. तो क्या करेंगे? ये क्या है? रियल नंबर. तो रियल नंबर है, इंटीजर से स्टार्ट करो. -3, -2, -1, जीरो जीरो नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये नॉन जीरो है. वैसे तो रियल नंबर है, बट क्या है? नॉन जीरो. तो आप क्या लिखोगे? 1, 2, 3 और साथ में एक लिख दो इरेशनल नंबर. ऐसे यहां लिख दो -3, -2, -1, 1, 2, 3, √2. और हाँ, आपको एक बात और बता देता हूं, जो ये आर स्टार, ये क्या है? ये एलिमेंट होते हैं डोमेन के. डोमेन पता है ना, ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट होते हैं कोडोमेन के. मींस जो डोमेन है वो रियल नंबर के अंदर लाई करेगा और कोडोमेन आल्सो लाई रियल नंबर, वो भी रियल नंबर के अंदर लाई करेगा. बट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड क्या होगा? जीरो. जीरो को एक्सक्लूड करेंगे. तो फंक्शन क्या गिवन है आपको? फंक्शन गिवन है 1/x. तो जैसे आप 3 कि इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी? -1/3. 2 की इमेज बनाओगे, 2 की इमेज बनेगी -1/2. 1 की इमेज बनाओगे -1/1. ऐसे ही फिर 1 की इमेज बनाओगे 1/1. ये समझ में आ रहा ना इमेज कैसे बन रही है? देखो x दिया यहाँ पे 1/x, तो 1/ ये x की वैल्यू रखते जाएंगे. जहां पे x है वहां पे इनकी वैल्यू रखते जाएंगे, क्योंकि डोमेन क्या होता है? इनपुट. जो इनपुट आप दे रहे हो डोमेन, और आउटपुट जो आउटपुट आएगा वो रेंज, और कोडोमेन होता है ऑल एलिमेंट्स. ये आप पढ़ चुके हो पहले. तो ऐसे ही 2 की इमेज बनेगी 1/2. 3 की इमेज बनेगी 1/3. एंड √2 ऑल्सो, देन द इमेज ऑफ √2 इज 1/√2. तो ये सभी इमेज होती हैं, ये प्री इमेज हैं. अब देखो ये तो अनपेड है, अनऑक्यूपाइड है, तो ये भी आएगा. कैसे आएगा? ये क्या है? रियल नंबर. तो -1/3 ले लो आप, तो -1/3 की इमेज क्या बनेगी? 3 बनेगी ना, माइनस के 3. देखो -1/3, तो जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे 1/1/3, तो क्या आएगा? 1/-1 × 3/1, तो -3 आ जाएगा. तो मींस ऐसे ही फिर ये भी आ जाएगा. अगर आप 1/2 लोगे, अगर आप यहाँ पे माइनस के 1/2 लोगे, तो ये भी बन जाएगी. ऐसे ये भी बनेगी और ये भी बनेगी और ये भी बनेगी. तो मींस ये सभी क्या होंगे? ऑक्यूपाइड हो जाएंगे. और ये भी हो जाएंगे,
तो अगर ये सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं और ये भी सभी एलिमेंट क्या है, ऑक्यूपाइड है, तो ये क्या है, वन वन है। अगर ये सभी ऑक्यूपाइड है तो वन वन है, और ये भी है फिर ऑन टू भी है, तो मीन्स वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये आपने चेक कर लिया बाय मैपिंग मेथड। उसके बाद कैसे करना आपने, तो जो आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे, या तो इसको एक्स रहने दो फिर वन अपॉन में एक्स, और यहाँ पे इसको वाई से रिप्लेस कर दो, ये वन अपॉन वाई होगा, या फिर इसको एक्स वन से रिप्लेस कर दो। देखो या तो ऐसे कर लो एफ एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन, अब यहाँ पे एक्स वन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स वन ही आएगा, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स वन, फिर इसको एक्स टू से रिप्लेस कर दो, एक्स टू से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे एक्स वन सॉरी यहाँ पे एक्स टू है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स टू आएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये तो आपको गिवन है ये, तो एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर दो, जस्ट देन पुट वाई हियर एंड नाउ वी गेट वन अपॉन वाई, इनको इक्वेट कर देंगे, या तो एक्स वन एक्स टू को इक्वेट कर दो या इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, इक्वेट करने का, तो एफ एक्स वन को इक्वेट कर देंगे एफ एक्स टू से, एफ एक्स वन को इक्वेट किससे कर देंगे, एफ एक्स टू से, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एक्स वन, वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू, ऐसे मीन्स या तो आप इस मेथड से करो या इससे, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे भी करना है, ऐसे या तो इस मेथड से कर लो, अगर इससे करोगे तो फिर क्या होगा, ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो वन अपॉन x is equal to 1 upon y, कहां से आया 1 upon x 1 upon y, कहां से आया fx is equal to 1 upon x fy is equal to 1 upon y, तो fx की वैल्यू यहां रख दी और fy की वैल्यू यहां, इस मेथड से करना है, तो x1 की वैल्यू यहां रख दी और x2 की वैल्यू यहां रख दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन वी गेट x1 is equal to x2 एंड x is equal to y, बोथ मेथड आर करेक्ट, तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, तो x1 x2 के इक्वल आया मींस फंक्शन इज 1 1, तो अब इसकी तो जरूरत नहीं है, ये तो हमने कर लिया, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो x1 x2 के इक्वल आया तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज फंक्शन क्या है, y is equal to fx, fx को क्या करना है, y के इक्वल रख देना है, तो आप इसको